अवार्ड देते हैं, आप सबको हमेशा ऐसा खुशहाली मिले, आप खुश रहें। मोदी पीछे ही खड़ी हुई, कभी आपको ये सुनने ना मिले कि अचानक 8 बजे मोदी जी टीवी पे आकर कहेंगे, क्योंकि देखो आप जो लोग हंस नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे, उनके लिए कह रहा हूं मैं कि अचानक मोदी जी आपके सपने में आकर कहेंगे, मित्रा मित्रा रॉयल अवार्ड फंक्शन में सुनील पाल के परफॉर्मेंस में जिसने एंजॉय नहीं किया जी, आज रात से उसके जिंदगी का सारा एंजॉयमेंट बंद किया जाएगा, अब वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। थैंक यू बाबा जिंदगी, ये हमारे गोरे बाबा रामदेव। हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी, सब लोग, अब तक के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हर घर में लोग कहते थे यार मेरे 4 बच्चे हैं, एक भी बच्चा लाइन से नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने सुन लिया, सारे बच्चे लाइन में लगे हुए, सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। अब लाइन में जो लगे हुए हैं वो बेचारे पैसा चेंज करने के लिए लगे हुए हैं, ATM के लिए लगे हुए हैं, ये मीडिया वाले खाम खा जिनको डिस्टर्ब करते हैं, लगे अपने परेशान लग रहे मीडिया वाले। कैसा लग रहा है आपको? ए भाई, आपको कैसा लग रहा है? उनके मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो मोदी जी के फेवर में हूँ, पर पता नहीं 4 दिन से उन्हीं की वजह से फेवर में हूँ। अच्छा निर्णय है मोदी जी का। पीछे वाला आपको कैसा लग रहा है? वो अपोजिट में क्या अच्छा है? अचानक रात को ऐसा फैसला के बताना चाहिए था ना, बिना बताए कर दिया ये। दिस इज नॉट मित्रों मित्रों करके शत्रु से काम किया। हमेशा बोलते भाई बहनों, ये ऐसा कोई भाई बहन के साथ में करता है क्या? हर आदमी कुछ ना कुछ होगा। औरतें महिलाएं जो है वहां पर लाइन में लगकर भी एक दूसरे की चुगली कर रही है। मेरा बहन जी ये क्या कर रही है? बोले ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है। हमारे केजरीवाल जी से पूछा गया कि जो नया नोट आया है 1000 का, इसका कलर है गुलाबी कलर, आपको कैसा लग रहा है? तो अरविंद जी कहते हैं आई डोंट लाइक पिंक, पिंक मुझे पसंद नहीं। तो फिर आपको क्या पसंद है? इंक, इंक पसंद है मुझे, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे इंक देते हैं। तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, आई डोंट माइंड। बोले क्यों? अरे भाई लोगों की शाही का बुरा क्या मानना है, लोगों की शाही का बुरा क्या मानना है, ये तो लोकशाही है, मैं लोकशाही की इज्जत करता हूँ। और नोटबंदी के बारे में क्या कहेंगे? नोटबंदी के खिलाफ नहीं हूं मैं नोटबंदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं होने वाली असुविधा के खिलाफ हूं। और असुविधा क्या है? नोटबंदी। तो हर एक का अपना अपना मामला चल रहा है। आज आप पर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे खुशी इस बात की है कि 2000 के नए नोट आ गए हैं, आप सबके हाथ में आ गए हैं। छुट्टा भले नहीं मिल रहा उसका, लेकिन आपको फील हो रहा है कि कुछ तो नया है। लड़कियां भी, आप पुरानी जो अपने बॉयफ्रेंड है उसे कह रही है, सुनो राहुल अब तो मेरे लिए ATM हो चुके हो, पुराने नोट की तरह हो चुके, अब तुमको मैं बाय कर रही हूँ, मेरे लिए नया बॉयफ्रेंड आ गया, उसका नाम है पेटीएम। और 1000 के नोट का जो गाना मैंने बनाया वो सुन लीजिएगा। 1000 करोड़ इतना के कह रहा है, मार्केट वालों जरा होशियार, यहाँ के हम हैं नए 2000, We are created by Modi सरकार, हम है नए 2000, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है नए 2000। और बेचारा जो 1000 रुपया बंद हुआ है वो रो रहा है, मोदी जी को देख के कह रहा है, मोदी जी के हाथ हाथ जोड़ के, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी 150 की तरह, हम भी 150 की तरह आपको प्यारे होते। लागत है ना शादी में 500 रुपए, बेचारे इतने दुखी है 500 रुपए, वो उनको पता है कि 15 के बाद हम लोग बंद होने वाले हैं, वो भी टेंशन में है,
वो भी अजूबे गरीब गाना गा रहे हैं हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली अब तो चारों ही तरफ बंद है मार्केट की गली सौ वाले नोट जो है वो मोदी जी को मस्का लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कभी भी हम बंद हो सकते तो मोदी जी के कह रहे हैं सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा देखा कि मोदी जी थोड़ा गुस्से में है तो कहते हैं तुम रूठा ना करो मेरी जो मेरी जान निकल जाती है तुम हंसते रहते हो तो एक खुशी सी चल जाती है मनी क्या बोलते उसको क्या बोलते उसको मनी डीमोनेटाइजेशन चल गया है कुछ लोग डीमोनेटाइजेशन के फेवर में हैं कुछ डी मनी डाइजेशन के साथ चल रहे हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं कोई समर्थक है कोई समर्थक है लेकिन जो भी होगा मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा होना चाहिए और जो देश के लिए अच्छा होगा वो हम सब के लिए अच्छा है हालांकि अन्ना हजारे बहुत रूठे हुए हैं अन्ना जी कहते हैं मैं परेशान हो गया हूँ राजनीति जो है मैं परेशान हो गया हूँ कांग्रेस ने चार अन्ना बंद किया था बीजेपी ने हजारे बंद किए मेरा नाम खराब किया मैं किधर जाऊँ किधर अनशन करूँ आप सब मेरे साथ में हो ना तो बोलो मेरे साथ भारत माता की थैंक यू मैम बहुत शुक्रिया अब दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ और वो सुन लीजिएगा उसके बाद मैं आपसे आगे चाहूंगा आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना हालांकि मुझे पता है कि आपका सबका दिमाग यही है कि यार अभी भी पैसे बटे नहीं कहाँ बांटे लेकिन भगवान ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा हमारे सामने पेंटल जी बैठे थोड़ा जोरदार ताली अपनी पेंटल जी के लिए पेंटल जी दुनिया के नंबर वन माइमिंग आर्टिस्ट है और कॉमेडी आर्टिस्ट है और अब इनको एक नए अवतार में आप देखेंगे फिल्म का नाम है 30 मिनट्स उस फिल्म में ये विलन के रूप में आएंगे हालांकि पेंटल जी आपने जिंदगी भर लोगों को हंसाया लोगों का पेन टल गया आपको देखकर लेकिन अब आप पेन देने वाले हो कोई बात नहीं 30 मिनट के लिए आपको देखा जाएगा 9 तारीख को और हमारे उन्हीं के सुपुत्र हितेन पेंटल जी उसमें एज ए हीरो आएंगे जोरदार तालियां 9 तारीख को देखिएगा लेकिन उससे पहले 2 तारीख को यानी कि परसों फिल्म आ रही है आसरा क्या नाम है फिल्म का आसरा आसरा फिल्म में हमने भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया है और 2 तारीख को फिल्म आ रही है फिल्म का नाम है आसरा जरूर देखिएगा स्लम पर बनी ये फिल्म है कैसे स्लम से लोग बिल्डिंग में जाते हैं और क्या कैसी सुविधाएं और असुविधाएं होती है ये सारी फिल्म आपको देखने मिलेगा बहुत आपका मैंने खून पी लिया लेकिन आपने मुझे बड़ा प्यार से सुना कभी भी आप मुझे किसी प्रोग्राम में बुला सकते हैं मैं जरूर आऊँगा मेरा कोई ईगो नहीं है सिर्फ पेमेंट है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट और यहाँ पे जो मोहतरमा है उनके लिए यहाँ पे जो मोहतरमा है उनके खूबसूरती पे शेयर करना चाहूंगा वावा जरूर बोलिएगा शेर समझते आप लोग इस शेरनी में बोल दो इरशाद है सर इरशाद है कि तेरे प्यार में वावा वावा तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया वावा वावा खाना नहीं खाया क्या पीछे खाना लगा कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया क्या बात है इस इंडस्ट्री से और आप सब लोगों से तो अब इस मकाम पर आज मेरा बेटा इस फिल्म में मेन लीड बन के आ रहा है बहुत अच्छा एक्टर है डिजर्विंग है तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप जो प्यार मुझे 50 साल से देते आए हैं अगर वो प्यार मेरे बेटे को देंगे और इस पिक्चर को देखेंगे बहुत मेहरबानी होगी थैंक यू सो मच थैंक यू so humble just a line from you are you egoistic or are you humble like your dad I am very humble and I try more to be like him as much as I can oh that's so nice just one sentence like to say everyone here this evening मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है एक फादर एंड सन की कहानी है जो हम दोनों प्ले कर रहे हैं एंड जो भी इस फिल्म को देखेगा आई एम श्योर हर फादर हर सन इस फिल्म से रिलेट करेगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखेगा और इस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी में ज़्यादा बोलूंगा नहीं मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप 30 मिनट्स प्लीज जाके थिएटर्स में देखिए 9 दिसंबर को और जैसे उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स की स्टोरी नहीं है पूरे 2 घंटे की प्रॉपर फिल्म है तो आप जाके देखिए एंड इट विल मीन अ लॉट टू अस इफ यू सपोर्ट ऑल ऑफ अस थैंक यू
We certainly support you, and sir, he's already a superstar. So, wishing you all the very best. 30 minute, everyone, 9th of December, please mark your date in your calendars. We thank all of you, and Akhilji, it's truly an honor to have the 30 minute team here with us. Such an honor for us, everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Very nice. Yes, Rajiv Thakurji, please, aaja ye manch par. Can we please have our next awardee? Ladies and gentlemen, he's won our hearts in every way possible. So please put your hands together for the one and only, the Punjabi Munda, Rajiv Thakur. Rajiv, would you like to say a few words to everyone, please? Of course, of course, of course. Should I hold the mic for you? Thank you, sir. Wow. Thank you so much. आपके बाल हमेशा ऐसे रहें, सुनहरे, खड़े और तरोताजा. Thank you so much. Hello, hello, hello. आवाज़ तो जा रही है. जा रही है, जा रही. नहीं नहीं, आपकी जा रही, हमारी नहीं जा रही. जाएगी, अब जाएगी. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हालांकि मोदी जी ने बंद की है. तालियां वालियां बजा दो सर, खाना खाने आए घर से. किधर गए सर? बंसल सर, ये आपने शगुन लिया इनसे? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तभी फिर खाना ज्यादा खाएंगे ना. अब 1100 रुपया डाला तो 2100 का खा के जाएंगे ये लोग. ठीक है, तो एक बार तालियां बजाइए, लोखंड वाला का शोर ज्यादा आ रहा है. शायद आप जिस जगह से ताली बजा दें, हम भी तो बंद करो ना. मैं जितना हैंडसम इससे ज्यादा नहीं हो सकता. चलिए, तालियां कम बज रही हैं, मैं समझ सकता हूं. मोदी जी ने जेब काटी है, हाथ नहीं काटे, क्योंकि नाम मेरा ठाकुर है. सो आप लोग हाथ नहीं कटे होने चाहिए. और खूबसूरत लड़कियां बीच में बैठी हैं, कहीं कहीं मुझे दिख रही हैं. मैं लड़कियां बोलूं, मैंने कोई आंटी नहीं बोली है, तो कम से कम वो खुश हो सकते हैं सब लोग.